ये फोन आजकल सोशल मीडिया पे कुछ ज्यादा ही फेमस है, iPhone 15 Pro Max। और जितने वीडियोस इसके YouTube पे हैं, सब में स्पेसिफिकेशन एंड फीचर्स भर भर के पड़े हुए हैं। और इस 1,60,000 रुपए के फोन में सबसे ज्यादा चर्चा हुई इसकी टाइटेनियम फ्रेम्स की। और एप्पल कहता है कि ये टाइटेनियम फ्रेम एल्यूमिनियम फ्रेम से बहुत ही ज्यादा पावरफुल होती है, और ये बात गलती से अब हमें पता लग गई। और इसी स्ट्रॉन्गनेस को टेस्ट करने के लिए आज इस फोन का होगा बॉइलिंग टेस्ट, फ्रोजन टेस्ट, ड्यूरेबिलिटी टेस्ट, बैंड टेस्ट और ड्रॉप टेस्ट। सबसे पहले एक आसान सा टेस्ट, भाई कैच कैच खेलते हैं। जिससे छूट गया वो आज पार्टी देगा। नहीं आराम से देखो यार, ये जानो। अरे वो कहने की बात थी। और iPhone 15 Pro Max जैसे जितने भी फ्लैगशिप स्मार्टफोन होते हैं, सबके अंदर एक सर्टिफिकेशन आता है और उसको बोला जाता है IP68। मतलब 6 मीटर तक आप 30 मिनट तक फोन को डाल के रखो, कोई प्रॉब्लम नहीं होने वाले। तो हम स्विमिंग पूल में चलते हैं और उसमें डाल के देखते हैं। तो अब हम इसको स्विमिंग पूल में टेस्ट करेंगे। पानी कहाँ गया इसका? लेकिन नो चिंता, हमने अपने पर्सनल स्विमिंग पूल का जुगाड़ कर लिया है। अब ये 1,60,000 रुपए कितनी देर पानी में सरवाइव करते हैं ये देखना है। तो ये दो टेस्ट तो ये आराम से पार कर जाएगा, इसमें कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है, परफेक्टली काम कर रहा है। एक बार स्पीकर चेक कर लेते हैं। कोई फर्क नहीं पड़ता। और अब बारी है फ्रीजिंग टेस्ट की, मतलब अब आइस क्यूब्स के साथ हम फ्रीजर में रख देंगे। One hour later. तो काफी देर हो चुकी है, अब हालत देखते हैं इसकी। तो भाई रुको एक मिनट, टेम्परेचर दिखा दो, मेरे हाथ का टेम्परेचर देखो भाई, यहाँ हाथ जम सकता है नेक्स्ट लेवल। ओ भाई इसका टेम्परेचर देखो भाई, टाइटेनियम बहुत ही जल्दी ठंडा होता है यार। लेकिन फोन पूरी तरीके से चालू है, इसको कुछ भी नहीं हुआ है। फिर से एक बार स्पीकर ऑन करते हैं। आवाज धीरे आने स्टार्ट हो गई भाई, फोन बिल्कुल ठीक है लेकिन स्पीकर को ठंड लग चुकी है भाई। स्टार्ट हुआ। तो अब टोटल 3 टेस्ट पार कर चुका, अब चौथे की बारी। और बहुत सारे लोगों का कहना है कि ये हीट होता है भाई, कुछ ज्यादा ही। मतलब ट्विटर, यूट्यूब हर जगह भर रखा है कि आईफोन 15 प्रो से ज्यादा कोई चीज हीट होती ही नहीं है। हर बार एप्पल का नया फोन आता है, हर बार ऐसे ही क्रिटिसिज्म मिलता है। मुझे पर्सनली इतना कोई ओवर हीट वाला सीन नजर नहीं आया इसके अंदर। हाँ हीट होता है लेकिन वो उन्होंने अपडेट के थ्रू फिक्स कर दिया है। तो बातों से काम नहीं चलता, अब इसको रियल हीट देंगे। तो अब जैसे जैसे ये पानी उबलेगा वैसे वैसे हमारा आईफोन। लाइटर दो। अबे इसका लाइटर, इसका क्या क्या छुपा के रखे हो भाई गोदाम में। अब देखते हैं कितनी देर चलता है ये। 39, 42, 42.6। ओ टेम्परेचर भाई 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 भाई, फोन डाउन जाने वाला है। डन स्विच ऑफ। इतना भी ज्यादा गर्म नहीं है यार ये, मुझे लगा था जल जाएगा हाथ। वापस ऑन हो गया भाई, ये डन। देखो 1,60,000 रुपए को कैसे पकाते हैं ऐसे। सिर्फ इसमें कूल डाउन करने का साइन आ रहा है, बाकी ये बंद नहीं हो रहा है। डाउन फोन डाउन। हाई टेम्परेचर 50 डिग्री से ऊपर जा चुका है। ऑन हो गया फोन वापस। इसमें वार्निंग जल्दी आ रही है लेकिन ये भाई वापस ऑन भी उतना ही जल्दी हो जा रहा है। देखो अभी जो टेम्परेचर है वो अगेन 45 डिग्री के अराउंड है इसका, लेकिन ये ऑन ही पड़ा हुआ है। और 50 डिग्री प्लस था तब भी ऑन ही था। एक बार के लिए ऑफ होता है, कुछ सेकंड वापस ऑन। अब कुछ लोगों की गंदी आदत होती है कि उनको पीछे की पॉकेट में अपने फोन रखना होता है, वो भी जिम करते करते। तो सबसे पहले यही करके देख लेते हैं। अब होगा वेट टेस्ट। सही सलामत। तो हमने मोर देन 40 केजी से शोल्डर भी मार लिए और 30-60 केजी से डंबल भी मार लिए, पर अभी तक इसको कुछ भी नहीं हुआ। और अब होगा ड्रॉप टेस्ट। बहुत सारे वीडियोस मैंने देखे कि आईफोन 15 प्रो मैक्स गिरते ही चटक जाता है,
चलो देख लेते हैं। फ्रंट से तीन बार गिराएंगे एंड बैक से भी तीन बार। कई बार लोग पॉकेट में डालने की जगह उसको नीचे डाल देते हैं ऐसे। नथिंग। अब वेस्ट साइड होगी बैक से। डर लग रहा भाई मेरे को। कुछ भी नहीं हुआ, बैक और फ्रंट दोनों सलामत। अब वेस्ट साइड डिस्प्ले। इस बार गया भाई, कहीं नहीं गया, बच गया। अब आएगा कॉलिंग डिस्टेंस। कई बार भाई हाथ में बात बात करते वक्त ऐसे झूठाता है फोन, और वहां से गिरते वक्त जब कॉर्नर इंपैक्ट आएगा या फ्रंट या बैक तो क्या हाल होता है देखते हैं। भाई 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 मेरी हिम्मत नहीं है देखने की। ओके, कुछ भी नहीं हुआ है। और कुछ स्ट्रॉन्ग हो ना हो, लेकिन एक चीज जरूर स्ट्रॉन्ग है और वो है टाइटेनियम फ्रेम्स। इस बार एक स्क्रैच भी नहीं मिल रहा है और उससे भी कहीं ज्यादा मजबूत है मेरा दिल भाई। 1,60,000 रुपए दुख नहीं रहे ज्यादा। नाउ मोस्ट कॉन्ट्रोवर्सियल, बैक देखते हैं कितना ज्यादा स्ट्रॉन्ग है। पूरी 6 फीट हाइट से बैक। कुछ भी नहीं हुआ। तो ये ऑलमोस्ट 5 टेस्ट झेल चुका है, जिसमें हमने फ्रीजिंग टेस्ट कर लिया, बॉइलिंग टेस्ट कर लिया, इससे कैच कैच भी खेल लिया, इसको ड्रॉप भी कर दिया, इससे जिम भी कर लिया, सारी चीजें हो चुकी हैं। लेकिन अब सिर्फ एक टेस्ट बचा है और वो है बैंड टेस्ट। अगर आपको हमारा वन प्लस वाला बैंड टेस्ट याद होगा तो डेफिनेटली पता होगा हाथों में हमारे पूरे पावर है। वो पावर एप्पल पे चल पाती है कि नहीं, जैसे धक धक कर रही है भाई। 1,60,000 रुपया। नहीं, मुझे जो चीज फील हो रही है दबाने में कि हाँ ये ग्लास पीछे की तरफ से दब रहा है, थोड़ा सा स्पेस है पक्का इसके अंदर, लेकिन फिर भी ये टूट नहीं रहा है। इसको फिर से एक बार ट्राई करते हैं। कुछ भी नहीं हो रहा। डिस्प्ले की साइड से देखते हैं एक बार भाई, इससे ज्यादा नहीं कर सकता मैं। थंब की ये हालत देख के तो पक्का लग रहा होगा कि भाई प्रेशर मैंने बहुत नेक्स्ट लेवल लगाया है, लेकिन इस पे कोई फर्क नहीं पड़ रहा है। और एप्पल तो प्रमोशन भी नहीं देता है। तो एप्पल ऐसे ही टॉप पे नहीं है, इसके सॉफ्टवेयर के साथ साथ इसका हार्डवेयर भी टॉप नॉच है। और जो सबसे कमाल चीज इस बार है वो ये टाइटेनियम फ्रेम है। लेकिन अगर आप चाहते हो किसी और फोन के साथ ऐसी ही अग्नि परीक्षा तो नीचे लिख के बताओ, हम उसको टेस्ट करने के लिए एकदम बेताब रहेंगे। हो सकता है अगला एक्सपेरिमेंट आपका बताया हुआ ही हम पिक करें और आपकी मनोकामनाएं पूरी हो जाए। तो वापस मिलते हैं अगली तोड़ू फोड़ू वीडियो के साथ। लाइक से सब्सक्राइब करते रहना, बाकी